अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों आज का ना हमारा लेक्चर बेसिकली शॉर्ट ही होगा क्योंकि हमारा सिलेबस तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और सेकंड ये है कि अब हम जो नेक्स्ट क्लास होगी ना इस बार हमारी फ्राइडे को, वो भी इसी तरह शॉर्ट क्लास होगी। उसमें मैं आपको कुछ चीजों का बताऊंगी कि वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज जो है ना वो हम आई थिंक सो के वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, 2 to 3 minutes या 5 minutes तक वेट कर लेते हैं ताकि सारे बच्चे क्लास ज्वाइन कर लें। आज जो है ना वो और हिस्ट्रीज जो है ना, एक दो केसेस जो है ना मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ ताकि आप लोग जो है ना अपनी लॉग बुक्स में वो लोग अगर केसेस बच्चों आप लोग मेंशन करना चाहते हो ना उन केसेस को, तो आप लोग उधर वो हिस्ट्रीज बना के लिख लो, ठीक है, या उससे मैचिंग कोई हिस्ट्री उस तरह की क्रिएट कर लो। मैम तो जी जी बच्चे, मैम ये पेशेंट नंबर हम अपनी मर्जी से लिखेंगे? हाँ जी, पेशेंट नंबर अपनी मर्जी से लिखोगे क्योंकि बच्चों आपने अज्यूम हिस्ट्री लिखनी है ना। आपके क्लास फेलोज में से कुछ ने सबमिट करवाई है मुझे लॉग बुक्स, तो उन्होंने भी अज्यूम्ड हिस्ट्रीज लिखी है, तो बेसिकली आपने अज्यूम्ड हिस्ट्रीज ही लिखनी है। और जो लास्ट पे रेफरल था ना, केस रेफर जहाँ करना था, तो आपने वहां पे यही लिखना है कि नो रेफरल केस, कोई रेफरल केस नहीं था, ठीक है, नो रेफरल केस, ये आपने मेंशन कर देना। एक्सक्यूज मी मैम, मैम ये हिस्ट्री नंबर पे क्या लिखेंगे? जी बच्चों, मैम अगर हमने जॉन्डिस का अगर केस लिया तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में क्या लिखेंगे? बच्चे जॉन्डिस का बेसिकली प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में आप ये देखो कि जॉन्डिस का पेशेंट सबसे ज्यादा उसको किस चीज में, आपको अब जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट क्या आपको कंप्लेन करेगा? बेसिकली जॉन्डिस में एनीमिया के सारे सिम्टम्स आते हैं ना, तो पेशेंट क्या होगा कि वो पैलर होगा, ठीक है, वो फटीग फील करेगा, लेथार्जिक होगा। तो बेसिकली जॉन्डिस का जो केस है ना उसमें आपकी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन पे ज्यादा फाइंडिंग्स आती हैं। और पेशेंट हिस्ट्री में जो कंप्लेंट्स करेगा ना वो ये कहेगा कि मैं काम करता हूँ ना तो मैं थक जाता हूँ फौरी तौर पर, क्योंकि जॉन्डिस के अंदर भी अनीमिया के साइंस आ रहे होते हैं। तो स्पेसिफिकली जो अनीमिया के साइंस हैं वो जॉन्डिस में ही आते हैं। तो अनीमिया से रिलेटेड जो भी फाइंडिंग यही होंगी ना कि फटीग या पेशेंट को, हाँ, और जॉन्डिस भी लिख सकते हैं, आपने कहा ना मेडिकल टर्म भी यूज कर सकते हैं प्रेजेंटिंग। नहीं नहीं, फिर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में आप जॉन्डिस नहीं लिखोगे, आप ये लिखोगे कि पेशेंट को जो है ना पैलर फील हो रहा है, मतलब पैलर हमें लग रहा है, उसको पैलर है, या फिर पेशेंट कह रहे हैं कि मुझे फटीग है। आप बेसिकली उस पे उसके प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स लिखोगे कि वो आपको कंप्लेन क्या कर रहा है। वो यही कह रहे हैं कि मैं काम करता हूँ तो मैं थक जाता हूँ, फटीग हो जाती है। और दूसरा पेशेंट क्या,
हाँ सिम्टम्स दिख रहे हैं बेसिकली. अभी मैं आप लोगों के साथ दो से तीन केसेस शेयर करती हूँ उसके. जॉन्डेंस ना वैसे भी थोड़ा सा ना डिफिकल्ट केस हो जाएगा क्योंकि जॉन्डेंस में ना और भी फाइंडिंग्स आती हैं लाइक लिवर से रिलेटेड. तो वो लिवर से रिलेटेड जो फाइंडिंग्स है ना पेशेंट स्पेसिफिकली आपको वो सिम्टम्स कहते हैं. लाइक लिवर सिरोसिस का जो पेशेंट है ना उसकी कंप्लेंट्स जैसी होती है ना बिल्कुल जॉन्डेंस के पेशेंट को भी वैसी होती है. तो वो थोड़ा सा ना आप लोगों के लिए डिफिकल्ट केस हो जाएगा. तो आप लोग जनरल जनरल मैंने ऑस्टियोपोरोसिस का केस लिखा तो उसमें प्रेजेंटिंग कंप्लेंट यही होगी ना कि जॉइंट पेन होती है, जॉइंट स्टिफनेस. हां जॉइंट पेन होती है. पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे ना उसको जब वो एक्टिविटीज करते हैं ना तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे क्रैकिंग साउंड्स फील हो रही हैं स्पेसिफिकली. मैम ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है तो उसको एंकल एडीमा होगा. मुझे इतना ज्यादा नहीं देखा जाता लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में मोस्ट कॉमनली अगर हम केस लेना ऑस्टियोआर्थराइटिस का तो आपने फीमेल पेशेंट लेने और आपने कहना है कि उसके नीज में पेन है. बेसिकली जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है ना ये बहुत कॉमन है. और हाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेशेंट को जो सबसे ज्यादा होता है ना कि जब वो मॉर्निंग में उठता है ना तो उसको बहुत पेन होती है. बेसिकली ये उसकी मेन कंप्लेन होती है. और जैसे वो सारा दिन काम करता है तो उसकी कंप्लेन जो है ना वो मतलब वो कहता है कि मैं ठीक हो गया मतलब उसकी पेन रिलीफ हो जाती है बेसिकली. जब वो रेस्ट में होता है तो पेन होती है लेकिन अगर वो मूवमेंट करते हैं तो पेन रिलीफ हो जाती है. पेन रिलीफ हो जाती है बिकॉज आपको पता है ना कि वो जो जॉइंट में फ्लूइड है वो बेसिकली जब मोबाइल रहता है मूविंग करता है तो पेशेंट की पेन ऑटोमेटिकली रिलीव हो जाती है. बट व्हेनेवर द पेशेंट इज ऑन रेस्ट पेशेंट के जॉइंट्स भी रेस्टिंग पोजीशन पे है सिनोवियल फ्लूइड की मूवमेंट जीरो है. जब सिनोवियल फ्लूइड की मूवमेंट नहीं होगी तो ऑब्वियसली पेशेंट को पेन पहले से ज्यादा हो जाएगा या वो जो सिनोवियल टिश्यूज है ना वो ज्यादा स्वेलिंग कर जाते हैं. मैम एक पेशेंट था जिसके ना थ्रॉट के अंदर जो है ना वो मैंने केस स्टडी ली कि उसके ना थ्रॉट के अंदर जो है ना वो अल्सरेटिव टॉन्सिलर ग्रोथ हुई है. तो मैम अच्छा. उसके बाहर जो फिजिकल एग्जामिनेशन में कोई भी उसका नेक पे या थायराइड ग्लैंड पे कोई भी लंप या कोई भी पल्पेबल नॉट्स फील नहीं हो रहे. लिखेंगे हम नहीं हो रहे थे नहीं हो रहे नहीं मैम उसके अंदर की तरफ ही हो रहे बस. अच्छा तो फिर आप नहीं लिखोगे वो क्योंकि वो जो इंटरनल फाइंडिंग्स है ना वो तो हम फिर अपनी लैब इन्वेस्टिगेशंस के बाद देखते हैं ना. अगर आपको फिजिकल कोई फाइंडिंग नजर नहीं आई तो आप उसको भी कर सकते हो मैम. लेकिन फिजिकल फाइंडिंग एक मतलब जिस तरह टॉन्सिल्स है उसका एंकल एडीमा से कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन उसको यूरिक एसिड था जिसकी वजह से उसकी लेकिन उसका माइल्ड एडीमा जो है ना वो एंकल में फील हो रहा था. अच्छा तो मतलब उसमें एडीमा भी था ऐसे पेशेंट में. यस मैम हां लिख तो सकते हो इसे हम लिख सकते हैं. हाँ लिख सकते हो अगर केस प्रेजेंटेशन में आ रहा है ना जैसे आप बता रहे हो तो फिर हम लिख जी सकते हैं इसमें एडीमा लिख सकते हैं उसमें नहीं इशू नहीं है. ओके मैम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में जब नेम के नीचे जो एक लाइन लिखी हुई है जनरल फिजिकल अपीयरेंस उसमें आपने एक लाइन बताई थी वहां क्या लिखना है. बच्चों मैंने ये कहा था कि आपका पेशेंट जब फॉर एग्जाम्पल कि उसकी जनरल अपेयरेंस में ये चीज आएगी कि उसका फेशियल एक्सप्रेशन क्या था. लाइक हम ये दो तीन चीजें देखते हैं उसमें कि उसकी वो कंफर्टेबल था ठीक है वो एंशियस तो नहीं था उसके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे थे ठीक है. आई थिंक सो तो मैंने हाइड्रेशन स्टेटस का बताया होगा आपको. ये तीन चार पॉइंट्स पूछ रहे हो ना. यस मैम जिसमें उसकी अपीयरेंस है फिजिक है कॉन्शियसनेस पोस्चर और एटीट्यूड. कॉन्शियसनेस है पोस्चर है तो बेसिकली आपने ये बताना है कि मेरा पेशेंट कॉन्शियस था ठीक है अलर्ट था. और सेकंड आप बताओगे कि फिजिकली अपेरेंस में जो था ना वो एक्टिव था ठीक है कोऑपरेटिव था. और आपने लिखना है कि पोस्टर और एटीट्यूड में ये था कि वो एक्टिव पोस्टर के साथ था पेशेंट. और अगर फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि कोई मेरा पेशेंट थोड़ा ज्यादा बीमार है लाइक आपको पास कोई ऐसा केस है कि जो पेशेंट आपको लग रहा है कि थोड़ा इल है तो वहां लिखो आप कि मेरा पेशेंट फिजिकली इल था ठीक है और माइल्ड कोऑपरेटिव था तो वो कॉपरेट कर भी रहा था और कुछ बातों का जवाब दे रहा था और कुछ का नहीं दे रहा था. तो इस तरह आप लिख सकते हो बट अकॉर्डिंग टू योर केस हिस्ट्री आपने लिखना है पेशेंट. ओके मैम पेशेंट नंबर और हिस्ट्री नंबर सेम होंगे. पेशेंट नंबर और हिस्ट्री नंबर हाँ पेशेंट नंबर और हिस्ट्री नंबर बच्चे सेम होंगे. और मैम नेम ऑफ ड्यूटी डॉक्टर पे. नेम ऑफ ड्यूटी डॉक्टर पे ना वैसे ये है कि आप लोग अज्यूम्ड किसी डॉक्टर का नाम लिख सकते हो. मैंने पूछा था सर से ठीक है तो आप लोग अज्यूम नेम लिखो कोई भी जैसे हमने पेशेंट का अज्यूम नेम लिखा ना तो डॉक्टर का भी अज्यूम नेम लिखो.
क्योंकि हमारे पास अब हॉस्पिटल सेटिंग तो है नहीं कि हम देख के लिखेंगे। और मैम डे थ्री पे कुछ लिखना है? क्या बच्चे क्या कह रहे हो आप? डे थ्री पे कुछ लिखना है हमने। किस पे? डे डेट पे? डे थ्री। डे थ्री। डे थ्री ये कहाँ पे आपको दिया हुआ है? यार जिसमें होम टास्क है ना, बस वही करने हैं। हाँ नहीं, वो होम टास्क वाला अच्छा आप पूछ रहे हो लॉग बुक में से, तो वो सिर्फ होम टास्क ही करने हैं, डे थ्री पे नहीं लिखना। वो आपको बेसिकली टेम्पलेट आई थिंक सो के दिया होगा कि वो उसमें चेक करो। तो वो आप लोग लिख सकते हो। नॉट सिग्निफिकेंट लिखना है या फिर लिखना है कि नॉट सिग्निफिकेंट मैंने कहा था, या फिर निल भी लिख सकते हो वहाँ पे। और डायबिटीज का केस है तो वहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम तो इन्वॉल्व होगा ना। क्या लिखने हैं बच्चों? जो स्टार्ट में डिफाइंस दी हुई है वो वहाँ पे डिफाइंस भी लिखनी है। हाँ जी डिफाइंस भी लिखनी है। मैम जो भी आपने पेशेंट हिस्ट्री और पेशेंट नंबर बताया, हिस्ट्री नंबर और पेशेंट नंबर बताया, वो दोनों सेम होना लाजमी है क्योंकि जब मैंने हिस्ट्रीज लिखी है तो मैंने नहीं। बच्चों देखो हिस्ट्री नंबर का मतलब ये है कि फर्स्ट हिस्ट्री सेकंड थर्ड फोर्थ, तो आपने फाइव ही लिखनी है, तो नंबर आप 1 2 3 4 5 करो। लेकिन जो पेशेंट नंबर है ना वो आप अपनी मर्जी से अज्यूम करके मैंने लिखा लिखो। ये सारी चीजें आपने अज्यूम लिखनी है, लेकिन ये आपकी चीजें टू द पॉइंट होनी चाहिए। और आपकी बस सिर्फ मैंने एक बात बताई थी कि आपके डायग्नोसिस को वैलिडेट कर। आपने जो डायग्नोसिस बनाया ना उसको वो वैलिडेट कर, तो आपकी हिस्ट्री करेक्ट है। मैम इसमें तो कहीं डायग्नोसिस मेंशन ही नहीं है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि हमने किस चीज की हिस्ट्री? बच्चों जो आपका स्टार्टिंग का इंडेक्स नहीं है, यस इंडेक्स का पेज है ना, उस पे आपने नेम ऑफ पेशेंट लिखना है, उसकी एज और जेंडर मेंशन करना है, आगे डायग्नोसिस पे। ओके मैम ठीक है। ठीक है मैम, आपने कहा था मेडिकल टर्म यूज कर सकते हैं, मैंने एक हिस्ट्री में डायबिटीज लिख दिया पेशेंट कंप्लेन में। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में डायबिटीज पेशेंट नहीं। बच्चे देखो आपने ना उसकी हिस्ट्री बेसिकली, अगर डायबिटिक पेशेंट था ना तो डायबिटीज का पेशेंट आपको क्या कंप्लेंट्स करेगा? वो कहेगा कि फॉर एग्जांपल डायबिटिक पेशेंट का मुझे पता नहीं था मैंने डायबिटीज लिख दिया, आपने कहा था कि मेडिकल टर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है चलो वो अच्छा उसको ऐसा करो कि आप अपने मुझे सबमिट करो, तो नहीं करवाई लॉग को? नहीं मैम अभी नहीं करवाई। तो उसको वाइटनर करके ना थोड़ा सा, या फिर वहां पेज लगा दो एक्स्ट्रा, या फिर उसको वाइटनर कर दो थोड़ा सा, क्योंकि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स एटलीस्ट आपकी ठीक लिखी होनी चाहिए सब बच्चों की। मैम बस उसमें फिर हम जो सिम्टम्स होते हैं पोलियूरिया, मतलब एक्सेसिव थ्रस्ट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, वो सारे जो फीचर्स होंगे ना जो पेशेंट आपको कंप्लेन करेगा। लाइक आप डायबिटीज में जरूरी तो नहीं है कि डायबिटिक सिर्फ डायबिटिक पेशेंट इसी कंप्लेन, डायबिटिक पेशेंट्स तो समटाइम्स वुंड अल्सर्स के साथ आती है। आप ये भी देख सकते हो कि उसको अल्सर बहुत बड़ा फुट पे बना हुआ था। फुट अल्सर्स मोस्ट कॉमनली होते हैं डायबिटीज के पेशेंट्स में। आप ये देख सकते हो कि पेशेंट मेरा फुट अल्सर के साथ आया था और उसको वॉकिंग में प्रॉब्लम थी और उसको पेन बहुत ज्यादा थी, उसे पस डिस्चार्ज हो रहा था। सो अब हमने उसकी मैंने हिस्ट्री ली पूरी और एग्रीवेटिंग फैक्टर ये था कि पेशेंट को चलने में मसला था। तो ये आप इसी केस भी देख सकते हो। यस अगेन मैंने बताया कि केस हिस्ट्री बच्चों हो, लेकिन वो आपके डायग्नोसिस को वैलिडेट करिए। आई थिंक सो कि अब 82 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं। जी हीरा मैम एक और चीज पूछनी थी आपसे। मैम मुझे पूछना था कि आपने केसेस गिवन किए हैं हमें, क्या जरूरी तो नहीं है ना हम वही करें? नहीं नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं है। हाँ बिल्कुल जरूरी नहीं है, बल्कि मैंने ये बात एक मेंशन की थी कि जो स्टूडेंट्स मुझे मतलब केसेस के मेरी डिस्कस केसेस के अलावा अगर सबमिट करवाते हैं तो मैं उनको ग्रेस मार्क्स दूंगी कि अगर उन्होंने एफर्ट की हुई है एक हिस्ट्री को डिजाइन करने में तो ऑब्वियसली उनको मार्क्स तो मिलेंगे ना बच्चों को। लेकिन वो केसेस आपके होने चाहिए कि वो आपके डायग्नोसिस को बता रहे हो कि हाँ ये डायग्नोसिस आपका करेक्ट है। वो ऐसा ना हो कि डायग्नोसिस कुछ और हो, हिस्ट्री कुछ और हो। अगर नेल फाइंडिंग हमें कोई नहीं मिलती तो हम नॉट प्रेजेंट लिखेंगे ना? हाँ नॉट आप लिख दो के एब्सेंट।
मैम नॉट सिग्निफिकेंट लिख सकते हैं? हाँ नॉट सिग्निफिकेंट भी लिख सकते हो मैम, नॉर्मल लिख देना जो नॉर्मल है उसमें नॉर्मल लिख देना, बाकी मैं नॉट प्रेजेंट कर दूँ। हाँ बाकी मैं नॉट प्रेजेंट कर दूँ मैम। ओके मैम। मैम एक स्किन लेशन थी पेशेंट की कि उसको पेप्यूल्स था, तो मैम आपने कहा था कि हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में आपने कोई भी मेडिकल टर्म नहीं लिखना, तो हम वहां पे मेंशन करेंगे कि उसको पेप्यूल्स था। हाँ फिर आप मेंशन करोगे वहां पे कि पेशेंट को था प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में या मैम हिस्ट्री में, फिर उसके प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में आएगी ना वो बात। ओके अगर पेशेंट उस चीज के साथ ही आपके पास आया है तो बस उसके साथ फिर आपने मेंशन उसको करना है। ठीक है मैम। अपेंडिसाइटिस में लिम्फ नोड्स एनलार्ज तो नहीं होंगे, नॉर्मल होंगे? नहीं नॉर्मल होते हैं, अपेंडिसाइटिस में नहीं होता ऐसा बच्चों को पता था। अच्छा बच्चों अब आई थिंक सो कि हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ आई थिंक सो कि जरूरत नहीं है स्क्रीन शेयर करने की, जस्ट आप लोग ना ऐसा करो कि अपनी अगर फोन है या कहीं भी कुछ है ना तो आप अपने जो मेडिकल इवेल्युएशन परफॉर्म या अगर आपने लॉग बुक्स को फोटो कॉपी करवा ली है वही ओपन करो। जस्ट मैंने हिस्ट्रीज बतानी है एक से दो, तो हम क्विकली वो हिस्ट्रीज देखेंगे एक दफा, और ताकि आप लोगों के साथ केस डिस्कशन। अब हमारी क्लासेस जो है ना क्योंकि हमारा सिलेबस कवर हो गया हुआ है और आपके मिड्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैंने क्लास की ड्यूरेशन भी शॉर्ट रखूंगी ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। बाकी अब तक हमने जो पढ़ा है सिलेबस जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन का जो चैप्टर की है उसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम बुक से रिलेटेड या फिर लॉग बुक से रिलेटेड या फिर मेरी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, बच्चों कोई किसी का क्वेश्चन है ना तो आप लोग मुझे अभी बताओ। मैम अगर हमें परफॉर्मेंस लिखते हुए कोई डिफिकल्टी हो तो आपसे मेल करके पूछ सकते हैं? आप पूछ सकते हो, पूछ सकते हो। जी बच्चों मैम प्लीज मेल के बाद एड कर दें लॉग बुक की। क्या शेयर कर दूं? लॉग बुक की स्क्रीन शेयर कर दें। क्या कह रहे हो बच्चा? स्क्रीन शीट के बाद डेट कर दें लॉग बुक की। बच्चों बस है क्या पॉसिबल नहीं है मेरे लिए उसके बाद करना? मैम बाकी टीचर्स भी मिड के बाद ही ले रही है मैम, काइंडली ये कर दें। मैम आपको 18 तक बच्चे जो करवा सकते हैं ड्यूरिंग मिड्स वो करवा दें, ठीक है बेस्ट है। तो बाकी ये कि हम देख लेंगे बाकी स्टूडेंट्स, मुझे आप लोगों की क्लास फेलोज ने करवाया है, कुछ ने बच्चों ने करवा दी है लॉग बुक सबमिट, तो आप लोग मिड्स के इतना मैं कर सकती हूँ कि मिड्स के ड्यूरेशन में मैंने कहा था कि 17-15 से जब तक एग्जाम्स हैं आप लोग करवा सकते हो। मैम हम आपको 17 को करवा दें। हाँ 17 को 15 तक करवा दें मुझे सारे बच्चे, ठीक है लॉग बुक्स तैयार करके और मुझे सबमिट करवा दें। मैं वैसे ऑन कैंपस ही होती हूँ तो आप लोग जब मर्जी आके मुझे सबमिट करवा दें। मैम वाइवा कब होगा इसका? वाइवा बच्चों इसका ना आपके मिड्स के ऑलमोस्ट बाद ही होगा। मैम एक के बाद ही होगा ना? हाँ मैं भी ईद के बाद हो क्योंकि डेट तो उसके उसके अकॉर्डिंगली डिजाइन होगी ना। मैम लास्ट भी होता है एंड पे सेमेस्टर के एंड पे। हाँ सेमेस्टर के लास्ट पे। आपके फाइनल्स कब हैं? मैम अगस्त में, अगस्त के मिड में या अगस्त के एंड पे? अगस्त में। तो हाँ आपका आई थिंक सो कि जो एसएपी का वाइवा है ना ये इसी ड्यूरेशन में हो जाएगा या उससे पहले हो जाए, वैसे भी वो स्केड्यूल बनाएंगे, लेकिन एटलीस्ट आपका काम तो कम्प्लीट होना चाहिए ना। क्या आप लोगों को ये ना हो कि हमारी हिस्ट्रीज हमें नहीं आती हैं अब हमें एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ेंगी या कुछ ऐसा करना पड़ेगा, तो आप लोगों की कमांड पे होनी चाहिए कि आपको ये जो मेडिकल इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस है एटलीस्ट मैं चाह रही हूँ कि बच्चों आप लोग फिल हो। अभी क्लासेस देने का पर्पज और फिल करवाने का पर्पज ये है कि समटाइम्स होता है कि आप अभी समझ तो लेते हो कि परफॉर्मा ठीक है ये चीजें हैं, पर जब आप बाद में फिल करने लगते हो फिर आपको तब प्रॉब्लम आती है हमने यहाँ पे क्या लिखना था, यहाँ पे कौन सी चीज आनी थी, वो फिर बच्चे उसको कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि टाइम हो जाता है काफी डेज गुजर जाते हैं और आप लोग भूल जाते हो। इसलिए मैं कह रही थी कि सबमिट मुझे ऑन कैंपस करवाओ, डेट आपकी 15-16 तक हो जाएगी, लेकिन एटलीस्ट उसको फिल तो कर लो, अपना तो काम खत्म करो।
तो आज का बच्चों हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है सबको मेरी? यस मैम आ रही है। यस मैम। ठीक है अब बच्चों अब हम जी जी बच्चे मैम मेरी लॉग बुक कम्प्लीट हो चुकी है तो मैं सबमिट करवा सकता हूँ अभी आके? हाँ जी, जिन स्टूडेंट्स की लॉग बुक कम्प्लीट हो गई है वो मुझे सबमिट करवा दो। ठीक है कोई इशू नहीं है। जिनकी लॉग बुक डॉक्टर की नेम की जगह क्या लिखना है मैम? जो डॉक्टर का नेम है वहां एज्यूम एज्यूम नेम लिखना है डॉक्टर के नेम की जगह। ओके मैम। ठीक है और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? जी बच्चों कोई क्वेश्चन किसी का लॉग बुक से रिलेटेड? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? एक न्यूट्रिशनल असेसमेंट वाला पेज है मैम वहां से क्या लिखना है इसके पहले? बच्चों उसको अभी रहने दो, अभी उसका कंफर्म नहीं हम पता उसका फॉर्मेट क्या है। अगर उसका इन केस कोई आता है ठीक है तो मैं आपको मिड्स के बाद उसका बता दूंगी। सो अगर जिन बच्चों ने मुझे लॉग बुक सबमिट भी करवा दी हुई ना तो फिर वो भी मुझसे दोबारा ले लेंगे और उसमें वो परफॉर्मा जो है ना वो या अलग से मुझे अटैच करके साथ अगर उसको फिल भी करना हुआ उस टाइम पे फिर हम करवा देंगे। मैम इंडेक्स में क्या लिखना है? इंडेक्स में बच्चों मैंने बताया ना कि जो आप हिस्ट्रीज लोगे ना पांच केसेस लोगे उसमें आपने नेम ऑफ पेशेंट लिखना है। ठीक है उसके बाद उसकी एज और उसका जेंडर मेंशन करना है और साथ में उसका डायग्नोसिस। लाइक आपने पूरी हिस्ट्री लिख दी ना तो अभी बच्चा मुझसे अभी कोई क्वेश्चन कर रहा था कि मैम डायग्नोसिस आपको कैसे पता चलेगा, तो आपने डायग्नोसिस अपने उस बेसिकली परफॉर्मा के ऊपर लिखना है। ठीक है इंडेक्स के ऊपर। यस मैम। अब बच्चों हम करें एक केस डिस्कस करती हूँ मैं आप लोगों के साथ। बच्चों अब इसका डायग्नोसिस जो है ना बेसिकली मैं आपको पहली केस बता देती हूँ कि ये एक केस है रेस्पिरेटरी ट्रैक इंफेक्शन का। पेशेंट को बेसिकली उसको सांस लेने में मसला होगा, ऑब्वियसली उसके सिम्टम्स तो ऐसे ही होंगे ना। तो हम नेम पेशेंट का एज्यूम लिखेंगे, एज उसकी कोई भी लिख सकते हो, जेंडर या सेक्स उसका मेल या फीमेल कोई भी लिख सकते हो, पेशेंट नंबर एज्यूम लिख सकते हो, डिपार्टमेंट उसका मेल होगा तो मैंने कहा था कि जनरल मेल वार्ड भी लिख सकते हो, जनरल मेल ओपीडी भी लिख सकते हो, जनरल फीमेल वार्ड भी लिख सकते हो। ठीक है उसके बाद आपने उसकी जो डेट है वहां पर मैंने कहा था जून की डेट मेंशन करनी है। ठीक है नेम ऑफ ड्यूटी डॉक्टर में बच्चों आप एज्यूम डॉक्टर का नेम लिख सकते हो। देन आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में ये लिखना है कि पेशेंट ने आपको आके कंप्लेन की है कि मुझे ना सांस लेने में मसला है या मेरा सांस फूलता है। ठीक है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आपने लिखना है इधर, कितने दिन से है पेशेंट कह रहा है। डिस्निया भी लिख सकते हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी दोनों एक ही मीनिंग होते हैं। डिस्निया लिख दो डिस्नी अगर लिखना है, या फिर पेशेंट कह रहा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है तो फ्रॉम कब से है या स्लैश लेके आकर लिख दो कि वो कह रहे हैं कि लास्ट 5 डेज से। देन बच्चों आपने लिखना है कि उसको कफ, वो कह रहा है कि मुझे बहुत खांसी आती है लेकिन कफ है मुझे, कफ भी उसने कहा है कि सेम मुझे 5 to 6 डेज है, आप उसको ये लिख दो। वो कह रहे हैं कि मुझे फटीग भी है, मुझे थकावट भी हो जाती है और साथ मुझे फीवर भी है। ये चार कंप्लेंट्स पेशेंट ने की और वो कह रहे हैं कि ये चारों कंप्लेंट्स मुझे लास्ट 5 to 6 डेज से है। देन बच्चों हमने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में मैंने एक बात बताई थी, क्या लिखवाई थी वो लाइन? माय पेशेंट वाज इन यूएल हेल्थ वाज इन यूएल स्टेट ऑफ हेल्थ फ्रॉम लास्ट 5 डेज। अगर वो मेल पेशेंट है व्हेन ही वाज कंप्लेनिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ हमने कफ भी मेंशन करनी है, फीवर भी मेंशन करना है और हमने फटीग भी मेंशन करनी है। तो इसमें से कौन सा ऐसा सिम्टम है जो जिसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में बता सकते हैं? फीवर के बारे में बता सकते हैं ठीक है, क्योंकि कफ की नेचर भी वही होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी एक सिंपल फीचर है। तो हम ये बताएंगे कि व्हेन He was complaining shortness of breath, cough and fatigue from the last 5 to 6 days. He was also complaining fever from the same last previous days. कि वो same आपको fever की, लेकिन fever की nature के बारे में लिखेंगे कि fever जो होता है ना वो basically इसमें intermittent pattern का होता है ठीक है respiratory tract infection में, या फिर आपने बताना है
कि जो फीवर है ना वो उसका एग्रीवेट कर जाता है स्पेशली ऑन इवनिंग टाइम एंड इट इज रिलीव्ड ऑन टेकिंग रेस्ट. आप फीवर के बारे में दो तीन लाइंस लिख सकते हो क्योंकि आपको पता है कि जब भी पेशेंट को थ्रोट से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन होता है ना तो इन्फेक्शन में हमेशा फीवर होता है और फीवर जब होता है ना तो फीवर आपका अगर वो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का डायग्नोसिस है या हिस्ट्री है तो पेशेंट को हाई ग्रेड मिल जाता है. आप फीवर का ग्रेड भी बता सकते हो कि 102 से लेके 103 तक पेशेंट को फीवर था. मैम इसमें आ सकता है कि इस पेशेंट को स्लीप प्रॉब्लम भी थी मतलब. हाँ स्लीप प्रॉब्लम भी लिख सकते हो. वो तो आप पे डिपेंड करता है ना कितना ज्यादा आपने पॉइंट्स लिख दिए हैं उतनी आपकी कितनी आपके प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स थी वो आप लिख सकते हो. मैंने जो जस्ट एक शॉर्ट केस बताया ना कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थी कफ थी उसको फटीग थी आप लिख सकते हो स्लीप डिस्टर्बेंस भी थी और वो कह रहा था मुझे फीवर. ठीक है अब आप इन सारी चीजों को आपने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में इस तरह मेंशन करना और फीवर को आपने डिटेल में बता देना. अब पेशेंट कह रहे हैं हाँ मुझे डायबिटीज थी आप उसकी डायबिटीज को पॉजिटिव कर दो. हाइपरटेंशन नहीं थी बाकी सारी चीजों को नेगेटिव कर दो. आपका मेल पेशेंट था तो गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री तो वैसी सिग्निफिकेंट नहीं है और ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री भी आप उसकी नॉट सिग्निफिकेंट कर दो. ऑपरेशनल हिस्ट्री में ऑप्शन है मतलब आप पर है कि आपने लिखनी है या नहीं. आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो कि उसका कभी पास्ट में कोई ऑपरेशन हुआ था या ऑपरेट हुआ था. वो कह रहा था कि हाँ मेरा एक दफा मेरा जो है ना वो स्टोन्स मेरी किडनी से रिमूव हुए तो आप उसको कोई ऑपरेटिव हिस्ट्री लिख सकते हो ऑप्शन पे है. देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट कहते मैंने कभी नहीं करवाया. अदर्स में अब बेसिकली उस दिन मैंने क्या बताया था कि अदर्स में हम क्या लिख सकते हैं किसी बच्चे को याद है. कि उसको इस कंप्लेन के अलावा कोई और मसला तो नहीं है. लाइक पेशेंट समटाइम्स होते हैं कि आपके पास प्राइमरीली पेशेंट की कंप्लेन कोई और होती है. ठीक है लाइक वो अब हमारे पास तो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के साथ आया ना पेशेंट बट वो कह रहा है कि हाँ मुझे 3-4 सालों से जो है ना वो मेरी बैक में बहुत पेन रहती है हर वक्त पेन रहती है. तो ये उसके अदर्स में है जो उसके एडिशनल चीजें हैं तो वो आपकी ऑप्शन पे है. आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते क्योंकि हमारे पास पेशेंट नहीं ना है हमने तो ज्यूम लिखना है हम अपनी मर्जी कर सकते हैं. समझ आ रही मुझे ये बात. यस मैम. ड्यूरेशन भी लिखा नहीं है. हाँ ड्यूरेशन भी लिखनी है कितने साल से वो कह रहे हैं कि मुझे अदर्स में कोई कंप्लेन. अब बच्चों ड्रग हिस्ट्री में ऐसे तो कोई मसला नहीं है कि वो हाँ अगर आपने लिखना है यहाँ पर क्योंकि वो लास्ट में बच्चे कहते हैं कि हम लिखते हैं कि हमने ड्रग्स वो पेशेंट अगर डायबिटिक है तो वो डायबिटिक मेडिकेशन ले रहा है आप लिख सकते हो कि वो इंसुलिन ले रहा है पेशेंट. ठीक है लेकिन अभी उसको किसी ड्रग से कोई रिएक्शन नहीं है तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो कि उसका जो बेसिकली ड्रग रिएक्शन है या वो नेगेटिव है. हाँ वो ऑन मेडिकेशन पे है पेशेंट और वो भी डायबिटीज. देन पर्सनल हिस्ट्री में पेशेंट कहता है कि हाँ मैं कभी कभी स्मोकिंग कर लेता हूँ. ऑब्वियसली वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का पेशेंट है ना उसको लंग में इन्फेक्शन हुआ है तो कुछ ना कुछ तो वो मतलब उसकी हैबिट्स में ऐसा होगा ना कि वो कहते हैं कि हाँ मैं कभी कभी स्मोकिंग कर लेता हूँ. तो आपने लिखना है कि पेशेंट स्मोकर है. जो मेल नहीं है और स्मोकिंग नहीं करता पेशेंट तो उसकी पर्सनल हिस्ट्री में क्या लिखेंगे. नॉट सिग्निफिकेंट. हाँ फीमेल अगर है तो फीमेल तो नहीं ना इतनी सिग्निफिकेंट के वो तो उसमें आपने पर्सनल हिस्ट्री में ये लिखना है कि वो सिग्निफिकेंट नहीं है या फिर आपने उसकी पर्सनल हिस्ट्री में आप ये लिख सकते हो. लाइक बच्चों पर्सनल हिस्ट्री का मतलब ये है कि उसकी अपनी हैबिट्स कैसी हैं. तो फीमेल पेशेंट में तो ऐसी कुछ स्मोकिंग कंफ्यूजन है मुझे. जी 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 मलिना ये तो ड्रग हिस्ट्री है इसमें हमने वो ड्रग्स लिखनी है कि जो पेशेंट लेता है पास्ट में या फिर वो लिखनी है जिससे उसकी एलर्जी है. दोनों आपने मेंशन करनी है. ड्रग एलर्जी अगर नहीं है तो आपने छोटा सा वर्ड लिखकर ड्रग एलर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव या निल. और अगर पेशेंट डायबिटिक है आपका मैंने ऊपर बताया वो डायबिटीज का पेशेंट है आपने लिखना है कि ऑन मेडिकेशंस इज इक्वल टू डायबिटिक पेशेंट डायबिटीज की मेडिकेशंस ले रहे. ठीक है दोनों चीजों का आप मेंशन कर दे ताकि गलत ना हो. यस मैम. ठीक है उसके बाद बच्चों फैमिली हिस्ट्री में ऑब्वियसली डायबिटीज फैमिलीज में रन करती है तो आप लिख दो कि उसकी फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज में पॉजिटिव थी. सोशल इकोनॉमिक में पेशेंट मैंने पहले बताया था कि वो मिडिल क्लास से बिलोंग करता था. ठीक है और सिर्फ उसमें हम मिडिल क्लास का बताते हैं सोशल नॉर्म.
उसके बाद जो आपके सिस्टमैटिक रिव्यू इसमें है सीवीएस, अब यहाँ कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है? रेस्पिरेटरी. रेस्पिरेटरी. तो बच्चों बाकी सारे सिस्टम्स में ना हमारा कुछ भी मतलब सारे जो चीजें हैं ना वो आएंगी कि नॉट सेवन. जस्ट हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर लिखेंगे पेशेंट के एक एक करके सारे पॉइंट्स. कफ लिखेंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ लिखेंगे, और हमने उसका क्या बताया, आप उसके स्पूटम के बारे में पूछ सकते हो. यहाँ आप स्पूटम का लिख सकते हो. पेशेंट कह रहा है हाँ मुझे कफ के साथ स्पूटम भी आता है, तो आप स्पूटम भी लिख दो कि पॉजिटिव है. ठीक है. इसके बाद और रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या ऐसी चीजें होती है जो हम पूछ सकते हैं पेशेंट को? मैम वो जो व्हिसलिंग साइन साउंड सुनाई देती है जब आप सांस लेते हैं, मतलब वो आ जाती है आपकी बेसिकली जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर. अगर आप उसकी तरफ करो ना आपकी इस पे आती है, ये एग्जामिनेशन में बेसिकली आती है, हिस्ट्री में नहीं अपॉइंट आता विस्टिंग साउंड का. मैं अभी सिर्फ बात कर रही हूँ फीचर्स के लिहाज से कि सिम्टम्स कौन से आ गए. आपका कफ हो गई, स्पूटम हो गया, ठीक है, आपकी बेसिकली शॉर्ट ऑफ ब्रेथ. ब्लड बच्चों इस केस में नहीं आता. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के पेशेंट बहुत एडवांस केसेस में जाके उनको बेसिकली हिमोप्टेसिस कहते हैं हम, ठीक है, ब्लडी कफ जो होती है जिसमें ब्लड आता है तो उसको हम कहते हैं, लेकिन वो इतना इन पेशेंट्स में नहीं आ सकता. आपके लंग कैंसर के पेशेंट्स के अंदर ऐसा हो सकता है कि उनको ब्लड आए, वरना अदरवाइज इस पेशेंट में नहीं होगा. इसके अलावा कौन से फीचर्स होंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पेशेंट्स के अंदर, हम क्या लिख सकते हैं जी बच्चों? मैम एडिमा वगैरह अगर कोई लंग्स वगैरह में हो, हम बाकी सारे सिस्टम को नील करेंगे. उसके बाद बच्चों आपकी आ जाती है जीपीई नेम. अगेन वही टेम्पलेट में हमने नेम लिखा, एज लिखी, उसका जेंडर लिखा, डेट ऑफ एडमिशन लिखी. जनरल फिजिकल अपीयरेंस मैंने अभी बताया था कि पेशेंट, ये वाला पेशेंट भी आपका थोड़ा इल लुकिंग होगा, उसकी फिजिक भी थोड़ी यानी होगी कि मतलब वो क्योंकि वो ऐसा इन्फेक्शन का पेशेंट है तो उसमें आप लिख सकते हो कि हाँ वो थोड़ा टाइट था या उसकी थोड़ी ग्लूमी लुक थी. कॉन्शियस था, आपसे कॉपरेटिव था, एक्टिव था, हाँ लेथार्जिक. पोस्टर और एटीट्यूड में आप लिख सकते हो कि पेशेंट एक्टिव पोस्टर के साथ आया, ठीक है. उसके बाद आपने उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल लिख सकते हो, पल्स रेट ज्यादा आती है पेशेंट्स की, ठीक है. आप इन्फेक्शन के पेशेंट्स में वैसे भी ज्यादा होती है. ब्लड प्रेशर भी आप उसका मॉडरेट लिख दो. टेम्परेचर उसका फीवर था, मैंने पहले बताया फीवर की कंप्लेन कर रहा था तो वहां लिखो. रेस्पिरेटरी रेट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने क्या लिखना है ज्यादा. लाइक नॉर्मल अगर 12 टू 16 आता है ना तो ऐसे पेशेंट का 22 21 इतना होगा, ठीक है बच्चों. और जीसीएस के बारे में मैंने क्या बताया था कि 15 by 15, क्योंकि हम सारी हिस्ट्रीज कहाँ से ले रहे हैं, ओपीडी से या फिर हम ले रहे हैं अपने जनरल वार्ड से. तो वार्ड में या ओपीडी में जितने पेशेंट्स आते हैं ना वो कोऑपरेटिव होते हैं और सारे के सारों का जीसीएस जो होता है ना 15 by 15. देन बच्चों फेस सिमेट्री क्या लिखेंगे सिमेट्री में हम? नॉर्मल. नॉर्मल ठीक है. कलर स्किन का भी नॉर्मल, स्क्लेरा का भी. ये सारी जो फेस पे चीजें है ना ये तो आपकी होंगी. कलर ऑफ लिप्स हम नॉर्मल लिखेंगे. साइनोसिस एबसेंट, जॉन्डिस एबसेंट. कलर ऑफ कंजक्टिवा, लोअर कंजक्टिवा नॉर्मल. पैलर पेशेंट नहीं था, एब्सेंट. पेरिओर्बिटल एडिमा एब्सेंट. प्रोप्टोसिस एब्सेंट. एनी स्किन रैशेस तो नहीं थे वैसे. फेशियल हेयर डिस्ट्रीब्यूशन ये सिर्फ फीमेल्स में हम चेक करते हैं तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा. अगर मेल पेशेंट है तो नॉट सिग्निफिकेंट. पेरोटिड ग्लैंड्स आपने लिखना है. मैंने बताया था इसके बारे में कुछ कि हम क्या लिखते हैं पेरोटिड ग्लैंड्स के बारे में. नॉर्मल इन कंसिस्टेंसी या फिर हम बता सकते हैं कि पेशेंट के जो थे ना वो क्या, मैंने एक लाइन बताई थी याद है किसी बच्चे को मैंने पढ़ाया था एक नोट इन लार्ज नोट पेल्पेबल नॉट पेल्पेबल
माउथ में टीथ टंग में कोई फीचर्स नहीं थे, हैंड्स में क्लबिंग भी नहीं थी, कॉलन और क्या ये सारी चीजें एब्सेंट, फिंगर्स में मैम वो नोट में नहीं लिखेंगे नॉट पेल्पेबल वाले पॉइंट्स, ग्लैंड्स में तो लिख सकते हो लेकिन पेरोटिड ग्लैंड्स में भी जो होता है ना वो लम्स कभी कभी आता है, लम्प डेवलप हो जाता है तो वो भी पेल्पेबल होता है, इसलिए यहाँ पे भी वो पॉइंट लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो। पाम पे भी बच्चों कोई मैनिफेस्टेशन नहीं होगी, नेक में थायराइड ग्लैंड का प्रॉपर मेंशन करना है कि मैंने थायराइड को चेक किया था, तो थायराइड के बारे में जो मैंने बातें लिखवाई थी ना वो जो आपकी बेडशीट में लिखी हुई है उस तरह की लाइन एक मेंशन करनी है कि थायराइड बुरी नहीं थी ऑस्कल्टेशन पे, या फिर जो थायराइड ग्लैंड था वो नॉर्मल इनपल्पेशन था, वहां तो उन्होंने डिफ्यूजली इनलार्ज लिखा हुआ था ना, तो ये आप लिख सकते हो। नेक वेन्स इनगोर्ड्स नहीं थी, लिम्फ नोड्स एक्सिला के लिम्फ नोड्स भी आपने बताना है कि नॉर्मल इन कंसिस्ट, ये लिम्फ नोड्स के बारे में ना अगर एक एक दो दो पॉइंट्स लिख भी दो ना तो वो गुड है, तब वो अच्छा है, आपका इस पे हिस्ट्री पे इम्पैक्ट पड़ता है कि आपने पेशेंट का बेसिकली एग्जामिनेशन किया है। नेक वेन्स का मैंने बताया कि वो इनगोर्ड्स तो नहीं है, लाइक मैंने बताया था कि हमारे पास एक साइन आता है, क्या साइन था वो याद है किसी बच्चे को, जिसमें नेक वेन्स आपकी इनलार्ज रहती हैं और आपके फेशियल कंजेशन हो जाती है, डिस्टेंडेड होती है जिसमें नेक, हां वो उसमें क्या साइन था, परबर्टन साइन हमने पढ़ा था। यस मैम, परबर्टन साइन। यस मैम। अब बच्चों इसमें एंकल एडिमा नहीं होगा, क्लबिंग नहीं होगी, कोलिनाइकिया साइनोसिस नहीं होगा, और रेफरल में आपने लिखना है कि नो रेफरल केस, सिग्नेचर नहीं करने ड्यूटी डॉक्टर के, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का एक पेशेंट आपके पास आया था, उसकी हमने ये सारी हिस्ट्री ली, यहाँ तक क्लबिंग हो सकती है ना, क्लबिंग की मतलब कॉजेज हाँ, मैं ये बताने लगी थी कि उसमें आता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आते हैं, लेकिन जो क्लबिंग है ना वो बहुत एडवांस केसेस के अंदर आपको, ये आपके ऑप्शन पे है, ये इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ छोड़े हैं कि बच्चा खुद से सोचे कि वो हमने क्या इसमें लिख सकते हैं, मैंने इसलिए नहीं बताया, वो आपने इसमें बता दी, वरना मैंने ये बताना नहीं था पॉइंट कि क्लबिंग आता है, ठीक है। तो इसको मैंने छोड़ा था यहाँ पर कि अगर कोई बच्चे खुद से यूज करें कि हमने कोई लेक्चर में इस तरह की चीज पढ़ी थी तो यहाँ आनी चाहिए, क्यों नहीं आई, तो इसका मतलब हिस्ट्री में वो चीज आ सकती थी, मैंने खुद ये पॉइंट स्किप किया यहाँ क्लबिंग का। यस मैम। अब कोई भी बच्चा ना एक मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे एक हिस्ट्री बना के दिखाए, अभी बहुत इजी केस है, आरए का पेशेंट जो है उसमें क्या प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स होंगी, इवनिंग सिकनेस है उसे, उसे फीवर होगा, बायलैटरल पेन होगी उसके जॉइंट्स में, और प्रॉक्सिमल ज्यादातर जो उसका अटैक होगा ना वो हैंड्स पे होगा, ठीक है, और सिस्टेमिक भी आएंगे साथ साथ उसके, उसको फीवर भी होगा। आप लोग ऐसा करो कि एक स्टूडेंट जो है ना, एक स्टूडेंट वो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स मुझे बताते क्या होगा आ रहे मैम, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में आके वो बताएगा कि उसने उसको फीवर फील हो रहा है काफी देर से, और इवनिंग में उसकी जो पेन है वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है, और बायलेटरल है दोनों साइड पे उसको पेन, और वो ये आपको कहेगा कि उसके स्मॉल जॉइंट्स हैंड्स में पेन होती है बहुत ज्यादा, स्मॉल जॉइंट से रूमेटॉइड आर्थराइटिस स्टार्ट होता है, और वो कहेगा कि वो कहेगा मतलब, अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ क्लास के लिए कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में बच्चों आपको वो ये कहेगा कि मुझे एक दूसरी बात ये होती है कि आरए का पेशेंट ना मल्टीपल जॉइंट पेन्स भी कहता है कि मुझे जगह जगह पेन है, लेकिन वो हमेशा ये कहेगा कि मेरे स्मॉल जॉइंट्स में पेन है, तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में हम कहेंगे कि पेन इन द स्मॉल जॉइंट्स, अगर आप मेंशन करना चाहते हो हैंड्स में स्पेसिफिकली तो कर भी सकते हो, वरना आप ये कह सकते हो कि उसको स्मॉल जॉइंट्स पेन थी, और वो स्मॉल जॉइंट में जो पेन थी ना वो कह रहा था कि बायलैटरल है, लाइक अगर मेरा राइट साइड का हैंड इफेक्टेड है तो मेरा लेफ्ट साइड का भी है, बिकॉज आरए के अंदर यही प्रेजेंटेशन आती है पेशेंट्स के अंदर। फिर वो कह रहा था कि मुझे इवनिंग टाइम पे जो था ना वो पेन बहुत ज्यादा हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है शाम के टाइम। सेकेंड थर्ड वो कह रहा था कि मुझे स्टिफनेस भी है जॉइंट्स के अंदर, वो उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट थी। फोर्थ वो कह रहा था कि मुझे फीवर भी हो जाता है, ये आरए के पेशेंट की पेट ये मतलब डेमोन्स्ट्रेशन के पॉइंट्स है, पेशेंट बिल्कुल आके आपको ऐसी कंप्लेंट्स देता है। देन आपने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में बच्चों वैसे ही बिल्कुल लिखना है, कोई बच्चा हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस इसकी डिजाइन करे जो मैंने अभी पॉइंट्स बताया ना।
my patient was in usual state of health. Few days back when he or she noticed a fever and joint stiffness. Then she noticed that her pain aggravated on evening time and relieved in the morning. Then she had severe pain in her small joints like her hands and feet. ठीक है और मैंने क्या बताया था अभी स्टिफनेस आपने बता दिया उसमें पॉइंट और पेन एग्रीवेट कब कर रही है उसकी इवनिंग टाइम पे और उसकी जो पेन रिलीफ हो जाती है वो मॉर्निंग में जाती है या ऑन टेकिंग रेस्ट. ठीक है बाकी सारी क्लास को ये पॉइंट्स क्लियर है. हमने सेकंड हिस्ट्री डिजाइन की है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बच्चों. नेक्स्ट अब नेक्स्ट कोई और बच्चा बताए मुझे. अब हम पास्ट मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री में क्या इसको करेंगे कैसे मेंशन करेंगे. जी बच्चों जी मलिहा बताएं प्रेजेंटिंग कंप्लेन में बताने नहीं अब वो कंप्लीट हो गया ना हमने दोनों चीजें कम पढ़ ली हैं. यस नेक्स्ट आप बताओ कि पास्ट मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री में हम क्या करेंगे. अगर ये फीमेल पेशेंट है मेरे पास तो मैंने क्या क्या यस करना है और मैं क्या क्या नो करूं यहाँ पर क्लास को बताओ. ये डायबिटीज हाइपरटेंशन वाले पॉइंट्स बताऊं मैं. हाँ ये बताओ. जी मानू आपका क्वेश्चन है नो मैम. जी मानू डायबिटीज में नो. ठीक है और हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन भी नो एस्थमा भी नो और अगर फीमेल पेशेंट है तो गायनेकोलॉजी का अगर 40 से अबव उसकी एज है तो हम मेनोपॉज देखेंगे. ठीक है 40 इयर्स में लेते हैं और पेशेंट की एज अगर मिडिल एज है लाइक मैं उसको कह रही हूं कि वो 32 इयर्स की है तो मैं यहां क्या लिखूंगी. मैम नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल लिख सकते हैं. नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल और नीचे उसकी एस्ट्रोजिकल हिस्ट्री में हम उसे पूछेंगे कि मतलब वो मैरिड है तो उसके कितने मतलब बेबीज हैं. ठीक है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है उसमें आप लोग बेशक अगर लिखना चाहते हैं कोई स्टूडेंट तो वो लिख ले. ठीक है और अगर कोई नहीं लिखना चाहता तो वो भी ठीक है. वो बेसिकली थोड़ा आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा. जी से ग्रेविडा होता है पी से प्राइमेडा और ए से हम अबॉर्शन के बारे में लिखते हैं कि हम फीमेल से पूछते हैं कि आपका कभी अगर अबॉर्शन नहीं हुआ तो ए जीरो होता है. ठीक है और फिर टी हम पूछते हैं कि प्राइमेडा में उसका क्या मतलब बेसिकली था कि फर्स्ट टाइम जब उसने कंसीव किया तो वो कितने मंथ्स पे था बेबी उसका. ठीक है कि फोर्थ मंथ पे कंसीव किया था या फिफ्थ पे तो पी हमारा हो जाता है 4 जो हमारा जो उसका बेसिक मंथ ऑफ कंसीविंग होता है वो लिखते हैं. और जी जो होता है ना वो बेसिकली उसका ग्रेविडा होता है कि उसके टोटल कितने बच्चे हैं लाइक 3 हैं 2 हैं किड्स हैं या 1 है तो हम उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला बनाते हैं. तो आप लोग ये बेशक ना लिखो यहाँ पे नॉट सिग्निफिकेंट लिखना क्योंकि वहाँ फाइल्स में जो है ना पेशेंट की ये लिखा होता है स्पेसिफिकली वो फॉर्मूलाज उन्होंने डिजाइन किए होते हैं. लेकिन ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए कि आप लोगों को समझ में लगेगा कि हम कैसे इसको बनाएं तो इसको आप लोग स्किप कर दो. नेक्स्ट ऑपरेशनल हिस्ट्री में क्या लिखेंगे हम. नॉट सिग्निफिकेंट लिख सकते हैं या अगर उसका कोई पहले से फ्रैक्चर हुआ होगा या उसकी कोई ठीक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी उसका आ जाएगा. अदर्स में हम उसका मेंशन कर देंगे कि पेशेंट कह रही थी कि मुझे मतलब बैक लो बैक पेन हो सकता फिर हाँ लो बैक पेन थी उसको. इतने ड्रग हिस्ट्री में क्या लिखेंगे हम. ये लिख सकते हैं कि पेशेंट जो थी ना वो एनसेड्स खा रही थी यानी पेन किलर्स ले रही थी अपनी पेन के लिए ना क्योंकि उसको आ रहे था. तो हो सकते हैं कि पेशेंट अपनी पेन के लिए बार बार जो मेडिकेशन ले रही हो तो हम लिख सकते हैं लेकिन उसको कोई ड्रग एलर्जी नहीं ये हमने नील कर देना है. पर्सनल हिस्ट्री में क्या लिखेंगे पेशेंट. प्रॉपर हाइजीन लिखेंगे या नॉन स्मोकर्स क्योंकि अगर फीमेल है तो हाँ वो नॉन स्मोकर. फैमिली हिस्ट्री में अगर हमने ऊपर नहीं कुछ पॉजिटिव किया तो हम देंगे फैमिली से आ सकता है ना हम अगर कहेंगे फादर से आया है या मदर से आया पेशेंट आर ए जो है ना वो नहीं कॉन्जेनिटल नहीं है जेनेटिक्स में नहीं आती है. ऑस्टियोआर्थराइटिस उसमें आती है ऑस्टियोआर्थराइटिस आ सकता है लेकिन आर ए नहीं बिकॉज आर ए जो ना ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम की डिस्टर्बेंस हो जाती है. अच्छा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में हमने लिखना है कि अगर वो हम बताएंगे कि जो है ना वो फीमेल मतलब मिडिल फैमिली से बिलोंग करती है पेशेंट बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली और नॉर्मल देन सिस्टम में कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होगा इसका. मस्कुलोस्केलेटल मस्कुलोस्केलेटल ठीक है बाकी हर सिस्टम में आप
एंडोक्राइन भी तो हो सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, अगर वो एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए तो वुमेन में हो सकता है। हाँ, लेकिन आप उसमें लिख दो एंडोक्राइन सिस्टम में कि उसका जो हार्मोन्स के लेवल थे ना वो नॉर्मल थे, क्योंकि आरए में ऐसी कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रही। फिर नेम आ जाएगा, एज आ जाएगी, जेंडर, उसका डेट ऑफ एडमिशन, जनरल फिजिकल अपीयरेंस में आपने गेन भी बताना है, क्या मेरा पेशेंट मतलब फिजिकली एक्टिव था, मेरी पेशेंट सॉरी आपकी फीमेल पेशेंट थी तो वो एक्टिव थी फिजिकली, फिजिक में भी वो नॉर्मल थी और लिथार्जिक नहीं थी, ठीक है, कॉन्शियस थी और पोस्चर और एटीट्यूड भी उसका एक्टिव था, बीपी उसका नॉर्मल होगा, पल्स रेट उसकी नॉर्मल होगी, ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल कर दें, टेम्परेचर नहीं था पेशेंट को नॉर्मल कर दें, रेस्पिरेटरी रेट भी नॉर्मल और जीसीएस भी नॉर्मल, क्योंकि ये आरए का पेशेंट है। अब फेस पे मैम इसमें कोई टेम्परेचर हाई भी देख सकते हैं? नहीं, अब ये आपके नतालिया और सेकेंड कौन सा बच्चा अभी, महनूर, महनूर आप ही बता रहे थे ना मैम, मलीहा बता रही थी, मलीहा बता रही थी, इन दो बच्चों के अलावा कोई तीसरा बच्चा बता रहे? Yes, ma'am. हाँ जी महनूर, अब आप बताओ फेस पे क्या इसका आएगा, कलर सिमेट्री नॉर्मल होगी, कलर ऑफ स्किन नॉर्मल? Yes, ma'am. Next बताओ, normal. स्क्लेरा का कलर नॉर्मल, लिप्स नॉर्मल, साइनोसिस एब्सेंट, जॉन्डेंस एब्सेंट, कलर ऑफ लोअर कंजंक्टिवा, पैलर पेशेंट होगा? नो मैम। ठीक है, बाकी पेरिओर्बिटल एडिमा? नो। ठीक है, नेक्स्ट प्रोप्टोसिस? नो। स्किन रैशेस नहीं थे पेशेंट को? हाँ, अब यहाँ पे स्किन रैशेस का आप लिख सकते हो कि समटाइम्स होता है कि पेशेंट को जब आ रहे होता है ना तो उसमें समटाइम्स पेशेंट को ना वो कंप्लेन करता है, मैंने तो ऐसे पेशेंट देखे हैं कि वो कंप्लेन करते हैं कि मेरे बॉडी में डिफरेंट एरियाज में ना कहीं कहीं स्किन रैश हो गया। उसकी रीजन पता क्या होती है? क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो बॉडी में ना जो आपका इम्यून सेल्स जब ज्यादा बम्प्स और एक्जेमा के बम्प्स जो बन जाते हैं, बम्प्स वो डेवलप हो सकते हैं लेकिन वो बहुत लेट स्टेजेस में आते हैं। अच्छा, माउथ में भी नॉर्मल होगा, हैंड्स पे क्या होगी इसकी मैम? रिस्ट, उसके लिए स्ट्रिक्टेड जॉइंट मोशन होगी ना, हैंड्स की स्ट्रिक्टेड जॉइंट मोशन और स्टिफ हुए होंगे। ठीक है, ये आप मेंशन कर देना यहां पे पॉइंट्स बनाकर। ठीक है, फिंगर्स पे क्या होगा? फिंगर्स पे कौन सा बच्चा बताएगा? क्या बच्चे क्या पूछ रहे हो आप मैम? बोटनियर फिंगर्स इसमें आ सकते हैं? हाँ जी, वो बोटनियर्स डिफॉर्मिटी आती है ना इसके अंदर। यस मैम। मैम हरबंडन नोड भी आएगा? पुचर्स नोड्स आएंगे मैम इसके अंदर, पुचर्स नोड्स आएंगे दोनों। मैंने आरए की मैनिफेस्टेशन बताई थी लास्ट टाइम, इसलिए मैं यहाँ पूछ रही हूँ कि फिंगर्स पे क्या क्या आएगा मैम। इसके अलावा सोनिक डिफॉर्मिटी बन सकती है, जी डिफॉर्मिटी ऑफ थंब बन सकती है, गुड, सोनिक हो सकती है, और वो जो बटन डिफॉर्मिटी सोन के साथ पड़ी थी हमने, वो भी हो सकती है इसके अंदर। अब ये सारी चीजें ना आप लोगों ने यहाँ मेंशन करनी है, ठीक है, अपनी केस हिस्ट्री में, इसलिए मैंने कहा इस तरह का एक केस ले आते हैं जिसमें ये सारी चीजें आ रही हो। आ रही हैंड्स पे कुछ होगा? हैंड्स पाम स्वेटिंग नहीं होगी, एरिडीमा नहीं होगा, रेडनेस हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, नेक में थायराइड ग्लैंड नॉर्मल होगा? यस मैम। यस मैम। ठीक है, कैसे लिखेंगे उसको? नॉट इनलार्ज, नॉट इंडेंटेड, नॉट ऑडिबल। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन। अच्छा, अब आप लोग बाकी लिम्फ नोड्स का भी आप लोगों ने सेम लिखना है। फीट पे ना समटाइम्स ये होता है कि जो आरए के पेशेंट्स होते हैं ना उनमें ना फीट पे डिफॉर्मिटीज डेवलप हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो आरए के पेशेंट्स होते हैं ना उनकी जो फिंगर्स और मतलब टोज होते हैं ना वो आपको लगेंगे कि थोड़े से ना जैसे कोई चीज वेवी लाइक पैटर्न नहीं होता, जैसे कोई चीज डीफॉर्म्ड हो गई, अपनी शेप चेंज कर ली, आप लोगों को उनकी फिंगर्स ऐसे लगेंगे, टोज की और आपकी जो हैंड्स की फिंगर्स है ना वो। तो आपने ये चीज मेंशन करनी है फीट में भी, आप लिख दो आरए का पेशेंट अगर लिए केस में तो आप लिख दो कि उसकी जो टोज की फिंगर्स थी ना वो थोड़ी सी डीफॉर्म्ड लग रही थी, ताकि वो आपकी हिस्ट्री वो उसको डायग्नोसिस को डिफाइन कर रहा हो। बाकी क्लबिंग नहीं होगा, कोइलोनाइकिया भी नहीं होगा, साइनोसिस भी नहीं होगी और एंकल एडिमा भी नहीं होगा, लेकिन जो चीज आ रही है वो लिख दो, पॉइंट बनाकर एक मेंशन कर दो, और रेफर टू, तो हमारा कोई रेफरल केस नहीं है और सिग्नेचर में आपने कुछ नहीं किया। तो आज की ये दो हिस्ट्रीज हमारी हो गई है। इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स पे स्वेलिंग आएगी ना? स्वेलिंग आएगी,
और मैम क्लबिंग वगैरह इसमें नहीं आ सकती, क्लबिंग नहीं होती इसमें, बिकॉज क्लबिंग जो होती है ना वो मैंने बताया था कि किन किन कंडीशन में होती है, कॉजेज ऑफ क्लबिंग पड़ी थी ना कि हमारे पास सीवियस कार्डियोवास्कुलर में कुछ कंडीशन आती है, क्लबिंग की बेसिकली सेंट्रल कॉजेज होती हैं ऑर्गन से रिलेटेड. क्लबिंग ये सिंपल इनका आरए और या ऑस्टियोसाइटिस का फीचर नहीं है. मैम हम कोई स्किन की मतलब बना सकते हैं हिस्ट्री जो आपने स्किन के डिजीजेस करवाए थे? हाँ स्किन की बच्चों बना सकते हो, लेकिन मसला ये है कि स्किन पे ना इतना ज्यादा इसमें आ ही नहीं गा. Yes, like, उसमें स्किन की कोई इस तरह के हमने जो पॉइंट्स पढ़े थे ना उसमें स्किन का कुछ भी नहीं है यहाँ पे के लाइक आपको. हाँ आप लोग थायराइड की एक हिस्ट्री बना सकते हो बहुत अच्छी वाली, थायराइड ग्लैंड. Yes. ये आप लोगों का टास्क है ठीक है सब बच्चों ने ना थायराइड की मतलब हाइपरथायरॉइडिज्म का पेशेंट बच्चों को नहीं वो मैंने ओपन कर दिया आप लोगों के लिए थायराइड के किसी भी केस पर. नेक्स्ट टाइम जो है ना नेक्स्ट क्लास में हम एक हिस्ट्री मतलब एक हिस्ट्री मैं बताऊंगी आप लोगों को थायराइड के अलावा. आप देखो आप लोगों के पास हिस्ट्री करके ना इतना पूल बन गया मतलब आप लोग उसमें से कोई भी हिस्ट्री डिसाइड कर सकते हो. हमने गैस्ट्राइटिस का भी कर लिया आई थिंक, तो मैंने फ्रैक्चर का भी आप लोगों को बताया था. यस मैम बताया था ठीक है. और हमने कौन सी हिस्ट्री पढ़ी थी? आज हमने दो केसेस पढ़े हैं आरए और एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. और हमने कौन सा केस डिस्कस किया था लास्ट टाइम? लेकिन उससे ज्यादा अच्छी हिस्ट्री हम थायराइड ग्लैंड पे बना. अब आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम क्या करना है कि थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड कोई भी केस हिस्ट्री ना उसका कोई भी केस पढ़ के आना है, उस पर एक हिस्ट्री आप लोगों ने रफ लिख लेनी है. तो फिर हम इसी तरह के एक डिस्कशन करेंगे, एक्टिव पार्टिसिपेशन आप लोगों की तरफ से भी होगी, फिर कुछ पॉइंट्स मैं भी आप लोगों के क्लियर कर दूंगी वहां पर अगर कुछ मिस्टेक्स होंगी या कुछ आप लोग गलत होंगे तो वो हम क्लियर कर लेंगे ताकि हमारी एक थायराइड की हिस्ट्री बन जाए. क्योंकि ग्लैंड आ रहा है इसमें ना तो उसमें पैल्पेशन और हर चीज आ रही है, एक हम उसकी बना लेंगे और इसके अलावा एक इस जो केस है ना वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइम बताऊंगा. तो यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? हम जॉन्डिस पे भी बना सकते हैं. जॉन्डिस पे बच्चों बना सकते हो, बल्कि मलिहा आपने ऐसा करना है कि नेक्स्ट टाइम जॉन्डिस पे केस बना के डालना ठीक है? ओके मैम ठीक है. वो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, वो बेशक आप अपना लिख भी लेना, क्लास डिस्कशन भी हो जाएगी और yes, उसमें और किसी बच्चे ने कोई और पॉइंट ऐड करना हो तो वो हम और कर लेंगे उसमें ऐड. आप लोगों की मैक्सिमम मेरी 8 to 9 आपकी हिस्ट्रीज हो जाए ताकि हर बच्चे के पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हम इससे रिलेटेड ये केस भी बना सकते हैं. अब देखो आप लोग मैंने आप लोगों को जस्ट एक गाइडलाइन दी है, आप लोग ज्यादा अच्छा इस पे सोच रहे हो और ज्यादा अच्छा आप लोग इस पे डेवलप कर रहे हो. ये आप लोगों की मेरी तरफ से अप्रिसिएशन भी है कि बच्चे पार्टिसिपेट खुद भी कर रहे हैं कि हम ये भी बना सकते हैं और हम ये केस भी लिख सकते हैं. तो जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी में आप लोग हिस्ट्रीज को लिखोगे ना उतनी अच्छी आप लोगों को जो है ना उसमें ऑब्वियसली मार्क्स भी मिलेंगे बच्चों को. जी बच्चों कोई क्वेश्चन है किसी का यहाँ तक? मैम आपका ऑफिस कहाँ है? मेरा ऑफिस मिस कायनात के बिल्कुल रूम के सामने. जी बच्चों यहाँ तक क्वेश्चन किसी का? हम डेट ऑफ एडमिशन में हम वही डेट डालेंगे जो हमने डेट ऑफ एडमिशन में क्या डालेंगे हम वही वाली डेट डालेंगे जो हमने शुरू में डाली थी परफॉर्मा के शुरू में. हाँ जी वही डेट डालेंगे. ठीक है बच्चों यहाँ तक सबको क्लियर है? जी बच्चों जी स्टूडेंट्स यस मैम क्लियर ठीक है. यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? मैम
यहाँ तक केस हिस्ट्री सबको क्लियर है ना? यस मैम, इट्स माय क्लासेस ओनली। हाँ होपफुली आपकी रोटेशंस तो होंगी, फिर हम केसेस चेक भी करेंगे और पेशेंट्स पे एग्जामिनेशन भी करना देखेंगे कि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। मिड्स के बाद होंगी आपकी रोटेशन स्टार्ट, आई थिंक सो के 15 के बाद उन्होंने अलाउ किया रोटेशंस का, वो भी स्केड्यूल पूरा एक हमारे साथ शेयर होगा कि उसमें हमने कैसे जाना है हॉस्पिटल्स में और फिर हम क्या करेंगे। कितने डेज के लिए होंगे ये? ठीक है बच्चों, और आपके मिड्स की तैयारी कैसी है? मैम कर रहे हैं, आप दुआ करना इंशाल्लाह। जी मैम, बेस्ट ऑफ लक सारे स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से, बेस्ट विशेस हैं। मुझे वैसे इस क्लास से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि ये क्लास ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। और हाँ एक दफा वंस अगेन मैंने मैम बहुत ज्यादा खुश हुई थी जब मैंने आप लोगों की आज वीडियो प्रेजेंटेशंस चेक की थी और सारे स्टूडेंट्स ने बहुत एफर्ट करके और बहुत मतलब ये एक होता है कि स्टूडेंट्स कुछ काम करते हैं लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स करके ना बच्चों ने, और वीडियो प्रेजेंटेशंस बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में बनाई है। और हाथों पे वीडियो प्रेजेंटेशंस तो अच्छी थी ही लेकिन प्रेजेंटेशन स्लाइड्स पे जो बैकग्राउंड स्लाइड्स के फॉर्मेट था या सेटिंग्स थी या पिक्चर्स थी वो भी बहुत अच्छी थी सारे स्टूडेंट्स की। तो मेरी तरफ से एप्रिसिएशन है पूरी क्लास को। थैंक यू मैम। ओके होपफुली इंशाल्लाह हमारी एक फिजिकल क्लास अरेंज होगी तो आप लोगों के साथ ज्यादा एक अच्छा इंटरेक्शन मेरा डेवलप हो जाएगा इंशाल्लाह मैम। ठीक है, बाकी हम लोग देखते हैं मिड्स के बाद अगर कोई एक क्लास हम अरेंज कर सकते हैं तो उस पे ये होगा कि हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की जो जनरल फाइंडिंग्स है ना उसको मैं एक दफा आप लोग पे किसी स्टूडेंट को मॉडल बना के ना तो उस पे हम लोग एक दफा चेक कर लेंगे कि लाइक हम क्या उसमें कर सकते हैं फर्दर। ठीक है ओके, तो हम यहाँ पे अपनी क्लास पर आज एंड करते हैं बच्चों। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लोगों को असेसमेंट मैं जीमेल पे सेंड भी कर दूंगी कि आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को केस प्रेजेंटेशन कहा है कि वो सबने पढ़ के आनी है थायराइड ग्लैंड पर, तो हम उसको डिस्कस करेंगे और एक केस जो है ना मैं आप लोगों को कर दूंगी डिस्कस ताकि हम लोगों के पास एक वेराइटी में केसेस आ जाएं, उसमें सब कोई भी बच्चा अपनी मर्जी से रैंडमली असाइन कर सकता है कि कोई भी केस हिस्ट्री वो डिजाइन कर लेगा, इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। जैसे इस तरह मेडिकल इवैल्यूएशन परफॉर्मा को फिल करना इजी है ना कि हम लोगों को एक थॉरली हर चीज का पता चल जाता है कि हमने कैसे लिखना है। यस मैम। जी मैम। ठीक है बच्चों, सर यहाँ पे अपनी क्लास एंड करती हूँ और इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक सारे स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से। Allah Hafiz students. Allah Hafiz ma'am. Allah Hafiz ma'am.